अरोड़ा जी। प्रतीक जी, हम बोले तो ठीक, तुम बोलो तो गलत। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाते हैं, किसी मंच पे जाते हैं, अपनी जाति बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री वो ठीक है, अगर दूसरा कोई जाति की बात करे तो वो गलत है, जाति गणना की बात करे तो वो गलत है। जिस प्रकार अभी मेरे साथी ने बात की, नव निर्वाचित विधायक राजस्थान के अंदर जयपुर के विधायक, जिस प्रकार से बांटने का प्रयास किया, इसे कहते हैं बांटने का प्रयास। चैनल के सामने में लाइव होकर और बोले ये लाइव है, लाइव लाइव देखो, जैसे प्रतीक जी का लाइव देखते हैं हम, लाइव में कहा। मैं ऐसा कहा बोलता हूँ? नहीं, आप तो लाइव में देखो, आप तो लाइव में सत्य बोलते हो। हम आपको साधुवाद दे रहे हैं प्रतीक जी, आप अन्यथा ना लें, हमने आपको साधुवाद दिया। ये पूरा जनसमूह आपको देखने आता है क्योंकि आप ठीक बोलते हो। जो ठीक बोलेगा उसको सुनेंगे, जो ठीक नहीं बोलेगा उसे नहीं सुनेंगे। नीति, उसके बाद बीजेपी एंड द कांग्रेस। पहले तो मैं अरोड़ा जी की बात का जवाब दूं, कौन से मंच में आपने देखा प्रधानमंत्री जी जाति अपना नाम दे रहे हैं? अरे आपके मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था कि ओबीसी नीच है, और कौन बांट रहा है जातिवाद में? कांग्रेस का जहाज केवल जातिवाद के नाम पर चलता रहा और राष्ट्रवाद ने उसको डुबो दिया, ये इस देश की सच्चाई है। बीजेपी नहीं जीती है, मोदी जी नहीं जीते हैं, देश की अखंडता जीती है, देश की एकता जीती है, देश का राष्ट्रवाद जीता है, देश की महिला जीती है, देश का गरीब जीता है, देश का किसान जीता है, देश का आदिवासी एक व्यक्ति जीता है, जिसको सुविधाएं मिली हैं, जो लाभार्थी है, जो देश का विकास के आगे अपना योगदान दे रहे हैं। और आप लोग केवल जातिवाद के नाम पे बांटते रहे, आप तो यहाँ तक बोलते रहे कि सनातन संस्कृति का हनन करो, उन्मूलन करो, मूर्तियां जो है वो शक्तिहीन है। किसने बोला? राहुल गांधी जी ने बोला। हाँ, इटली में हो सकता है शक्तिहीन हो, लेकिन सनातन संस्कृति में शक्तिहीन नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला कि इनके एमपी वैसे शक्तिहीन है जैसे देश की मूर्तियां शक्तिहीन है। और उसके बाद आज यहाँ तक आ गए। कब बोला ये बात? कब बोला राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कब बोला कि मूर्तियों में जान नहीं होता? गलत बात नहीं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी नीति जी। आप गलत कौन कर रही हो? आप कंप्लीटली गलत कौन कर रही हो? और जाति की बात कर रही हो आप? जाति की बात कर रही हो? प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ, वो जाति थी। और किस आदिवासी के खुश होने की बात कर रही हो? राइट राइट राइट। जाति बताना और जातियों में बांटना फर्क है प्रभात जी। जाति बटाने बांटने में, जाति को बांटने में आप लोग ये बोलते रहे कि आज जब बोलते थे ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पे, वो आज बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना करेंगे। प्रियंका गांधी मंचों से बोल रही है क्यों करेंगे? क्यों वंचितों की गणना नहीं करेंगे? क्यों गरीबों की गणना नहीं करेंगे? क्यों आदिवासियों की गणना क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ जाति बात का आप जी। बीजेपी वाले आ गए तो अब कांग्रेस वालों का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो तब तक नंबर नहीं आ सकता था उनका जब तक वो बीजेपी वाले आ ना जाए। नहीं, कोई सर्वे नहीं होगा, रोज हर आदमी एक सर्वे करिए, 24 घंटा सर्वे करिए, कोई सर्वे नहीं। पहले लाइन में खड़े होके और डिसिप्लिन में होके खड़ा होइए। पहले बांटने की बात पे शुरू किया था मैंने, एक स्टेटमेंट जरूर बीच में आया और नीति जी ने वो बोला, और वो बोला कि राहुल जी ने मूर्तियों को शक्तिहीन बोला है। वो बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों, उनको सब्सिट्यूट करना पड़ेगा दोनों को, आपको और वो, क्योंकि गलत स्टेटमेंट नहीं जाएगा, स्टेटमेंट वही जाएगा। सुनूंगा नहीं, लेकिन बात उनसे उससे ले लूंगा, मैं आपसे ले लूंगा बात जी। पहले जी बिल्कुल आपका आपका जी, बहुत यहाँ पे गर्मा गर्मी हो चुकी है बात। अभी कहाँ हुई गर्मा? अभी तो शो शुरू हुआ है थोड़ी देर में, अभी कहाँ हुई बात? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। अरे मैं मैंने ऐसे थोड़ी, जम्मू से मैं आ रहा हूँ। आज 370 में बात हुई है जी। पाजी ज्यादा मेरे आगे पीछे ना, आज माहौल बहुत गर्म है जी। आपने भी बात बोल दी, माहौल गर्म है। बात यह है कि हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। बात जब आपने कही एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश स्वागत किया मोदी जी के एक बयान का कि एक भारत चाहिए, तो आप बताएंगे कहां बांटा? सुनिए, बांट दिया ना, जब कहते 20% और 80%, जब बांट दिया, जब कहते हनुमान जी की जाति कौन सी थी, तो बांट दिया प्रतीक जी। तो किसने बांटा? उन्होंने ही बांटा जिन्होंने नारे दिए थे, सबने दिखाए हमको। बात यह कि ये शरीर है, एक हाथ है, दूसरा हाथ यह है, पैर है आपके, इसको अगर आप बांट दोगे तो शरीर नहीं रहेगा। भारत माता को अगर आप बांटोगे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो देश बट जाएगा। मणिपुर आप गए नहीं, मणिपुर ये बड़े सयाने होते प्रवक्ता लोग।
हाँ जी खुद ही करा उन्होंने और कह रहे खुद ही तो कहते हैं बांटने की राजनीति खुद कर रहे हैं आप दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हैं। और कहां से आना हुआ? हम लोनी गाजियाबाद से। तो बिल्कुल बगल में है तो ऐसे खबर पर देखते हैं पेपर पर पढ़ रहे हैं रोज पूरे दिन देख पूरा दिन देख क्या काम करते हैं? बस शॉप करते हैं। शॉप कहां की शॉप है? मोबाइल की। मोबाइल की मोबाइल की है और खबर पर भी देखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई खबर पर लाए हो? अभी तो कोई नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ बांटा तो आपने बीजेपी का अब आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ बीजेपी का देन यू रिस्पॉन्ड जी प्रतीक जी सबसे पहले हमारी बाई तरफ जो अजय भाई हैं इन्होंने कहा कि हम करे तो ठीक हम करे तो गलत आप करे तो ठीक यही तो जनता पूछ रही है। अरे तेलंगाना में ईवीएम ठीक और तीन राज्यों में गलत कैसी रणनीति है क्या विचार है आपका? और वही देखिए कैसे डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं इनके मुख्यमंत्री तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री इन्होंने घोषित किया वो उनका स्टेटमेंट पूरा बिहार आज थू-थू कर रहा है और बिहार इनके नेताओं को जाने की हिम्मत नहीं होगी। बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठा दिया एक जाति के डीएनए को गलत बताया दूसरी तरफ इनके नेता क्या कह रहे हैं गौमूत्र इनके गठबंधन में है डीएमके और उसके क्या लोग कह रहे हैं गौमूत्र प्रदेश उनके नेता ने डांटा है उन्हें। राहुल गांधी जी ने ना तो सनातन को गाली देने वाले पर एक शब्द कभी कहा और ना आज साउथ को और नॉर्थ को बांटने वाले इस विभाजनकारी बयान पर कुछ कहा और झूठ तो झूठ इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि राहुल गांधी ने कभी कहा नहीं। आप चलाकर मैं दिखा सकता हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं ये दिखावे के लिए हैं जैसे मंदिर की मूर्तियों में शक्तियां नहीं होती वैसे इसमें शक्ति नहीं होती ये कोटेड है। और ये तो वही लोग हैं जो नेहरू जी का आज भी गुणगान करते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पोल पट्टी खोल कर रख दी तीन दिन और सीज फायर नहीं करते तो पीओके हमारा होता और यूएन में ले जाने की गलती जो की उसका दंश अगली बार पीओके होगा है? अगली बार होगा कहां पीओके अपना ही होगा। अरे बाप रे कहां से आना हुआ हमको और कहा हमको भारत से है वो तो हमें मालूम इतना तो पढ़े लिखे हैं आए कहाँ से टिपिकल बिहारी पटना से हाँ वो तो सब बिहार के आदमी के बिहार के आदमी के कपारे पे लिखा होता है बिहार एक बिहारी सौ पे नहीं हजार दो हजार पे भारी होता है। हाँ मैं आ गया जी बोलिए एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है आराम से बढ़िया खड़े हाँ जी हाँ एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है लेकिन अगर आप उसको कूटेंगे तो आपको कूट देगा इसीलिए प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। भैया प्यार ले लो हमसे आपसे प्यार हम 2001 से ले रहे हैं आप पहचाने नहीं हमको। हाँ 1999 में यहाँ मेरा कदम हुआ था अच्छा यहीं पर आए थे और पहली मुलाकात आपसे ही हुई रोड पे अच्छा आपने एक स्माइल मारी उसके बाद हम समझ गए बिहार का आदमी झूठ नहीं बोलता बस एक बात है पहचान ना पाए तो बात अलग है। नहीं नहीं छोटे आदमी कौन पहचान मुद्दे पे मुद्दा यही है सर 100 बात की एक बात कांग्रेस 54 साल से ज्यादा राज की है अब भैया बीजेपी को टाइम दो समझे हाँ समझे अब टाइम हो गया समझे कमल का साइन लक्ष्मी जी का है थोड़ा आने दो समझे सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है मैं बता रहा हूँ कांग्रेस मैं बता बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी जितने भी आरक्षण वाली चीजें हैं कांग्रेस ने दी हैं जो गरीब थे उसको कहा कि दाल रोटी तुमको देंगे जिंदगी भर खाते रहो मगर आगे नहीं बढ़ना बीजेपी क्या कहती दाल रोटी भी देंगे मगर तुमको आत्मनिर्भर होने का मौका भी देंगे। इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर झूठ क्यों बोला अभी बताएं। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला है इन लोगों के पास उस बयान का पूरा परिप्रेक्ष्य में नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म है सनातन में आर्य समाजी भी होते हैं और वो मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं करते जरा बताइए देश को। राहुल गांधी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में हर पंथ हर मजहब हर धर्म हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं। आप लोगों की तरह 20% और 80% में बांटने की राजनीति नहीं करते और थोड़ा सा अमित शाह जी पढ़ के गए होते संसद भवन में तो नेहरू जी को गाली नहीं। सर हिंदू धर्म को ना तो राहुल गांधी समझे और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य अगर दीपक झा जी देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। हिंदू धर्म में कोई इतने सारे पंथ हैं लेकिन दूसरे पंथ को कोई गलत नहीं ठहरा रहा है। भाई मेरा विश्वास है कि मेरी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसमें शक्ति होती है कोई आर्य समाजी उसका विरोध नहीं करता
निराकार साकार सब एक साथ चलते हैं, यही तो हिंदू धर्म है। और इसीलिए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से सदियों रहा है दुश्मन दौरे, जहां हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे थोड़ी कहा गया, ये हिंदू धर्म की यही प्राण। देखिए देखिए ये बात सच है कि आपको आदर तो करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना कि कोई आर समाजी हो या आर समाजी इनको कहने लगे या उनको कहने लगे। जी इसको वेदों में और उपनिषदों में कहा है, ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। राहुल गांधी जी आपसे ज्यादा समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप गाली देने वाले लोग हो इसलिए समझो।